नमस्कार, मिडकैप बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दारा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, दिल्ली स्टूडियो से। आप देख रहे हैं मिडकैप बाजार। तमाम क्वेरीज को हम शो में एड्रेस करेंगे। डेढ़ बजे होगा हमारा खास डेंजर जोन, लेकिन सबसे पहले वो मार्केट्स का हाल देख लेते हैं। सुबह से ही भारतीय बाजार एक दायरे में कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी अब लाल निशान में आ चुका है और 8266 के लेवल पर बिल्कुल फ्लैट अभी ट्रेड कर रहा है। सेंसेक्स बिल्कुल फ्लैट, बायस पॉजिटिव, 19 पॉइंट्स की बढ़त। मिडकैप स्मॉल कैप इंडेक्स में स्मॉल कैप्स आज परफॉर्म कर रहे हैं, 0.1% की बढ़त लेकर स्मॉल कैप इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। यूरोपियन मार्केट्स की कुछ देर पहले शुरुआत थी कमजोरी के नोट पर हुई और तीनों ही यूरोपियन इंडेक्सेस ऑलमोस्ट 0.5% कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए। ये बढ़ने वाले शेयर्स है आपकी स्क्रीन पर, निफ्टी 51 से भारतीय एयरटेल, ONGC, अंबुजा सीमेंट, टाटा मोटर्स और टाटा पावर, जहां पर खरीदारी दिखी है। लूजर्स में आप देखिए एशियन पेंट्स, हिंडालको, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस और येस बैंक, जो कि कमजोरी आज के सत्र में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आज बहुत सारी पॉकेट्स है जो इस रेंज बाउंड मोमेंटम में भी या फिर कहीं एक सॉफ्ट स्लगिश मार्केट में परफॉर्म कर रहे हैं। आज पावर स्टॉक्स में जोरदार मूव है, परफॉर्मर्स आपकी स्क्रीन पर है। पावर स्टॉक्स के अलावा आज आप देखिए कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स को, लॉजिस्टिक स्टॉक्स को, साथ ही आज के सेशन में हमने देखा है कि सिलेक्टेड शुगर स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के जो परफॉर्मर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, खेतान इलेक्ट्रॉनिक्स, बजाज इलेक्ट्रिकल्स, फेडर्स लॉर्ड, हिताची होम, अच्छी मजबूती सभी शेयरों में आज के सत्र में देखी जा रही है। आज देखिए डिफेंस स्टॉक्स का हाल, जो करार, जो बातचीत निकल कर आई है पीएम मोदी के यूएस दौरे के बाद, यूएस 6 न्यूक्लियर रिएक्टर इंडिया में लगाएगा, उसके बाद इन सभी स्टॉक्स में जोरदार मूव है। वॉलचंदर इंडस्ट्रीज लीड कर रहा है स्ट्रेंथ को 12% की बढ़त के साथ। आज टेलीकॉम स्टॉक्स में भी बायस पॉजिटिव रहा है और ज्यादातर स्टॉक्स हरे निशान में ट्रेड करते हुए। स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस जो है फॉर फ्यूचर वो 3% रखने की वकालत की है टेलीकॉम कमीशन और रिटेन किया है। अभी 4-5% के चार्जेस टेलीकॉम कंपनियां पे करती हैं। तो आज बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी पॉकेट्स जो परफॉर्म कर रहे हैं। सीमेंट है, सीमेंट के अलावा आप लॉजिस्टिक्स को देखेंगे तो वहां अच्छा खासा मूव है। दो जानकार हमारे साथ मौजूद है, लोकेश उपल है और सौरभ जैन, जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको तरीका बता देते हैं इस शो में शामिल होने का। मिडकैप हमारा कीवर्ड है, आप मिडकैप लिखिए, अपना क्वेश्चन, अपना सवाल लिखिए, उसको भेज दीजिए 57575 पर। फोन लाइन के जरिए भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800 3545, दूसरा नंबर है 01204258237। व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज आप हम तक भिजवाइए। व्हाट्सएप नंबर है 7840024x0। श्योर, आज के पहले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ लोकेश उपल और सौरभ जैन भी मौजूद हैं। वेलकम टू बोथ गेस्ट। मिस्टर एस के जोशी है हमारे साथ जयपुर से। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। ये एडवाइसिस कैपिटल है, वो 2014 में 70 के भाव में लिए हैं 1000 शेयर। जी बिल्कुल लोकेश, एडलवाइस कैपिटल जैसे उन्होंने बताया 1000 और 670 odd levels पर उनकी परचेस प्राइस है, यहाँ पे उनको प्रॉफिट भी हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे एडलवाइस कैपिटल का अगर 3 महीने का परफॉर्मेंस देखें तो लगभग 55 odd लेवल से लेके इट हैज रन अप टिल 78। आपको क्या लगता है दिस रन विल कंटिन्यू और इनकी इन्वेस्टमेंट में फर्दर रिटर्न्स उनको देखने मिल सकते हैं? गुड आफ्टरनून मनोज जी, अगर हम एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज के लॉन्ग टर्म चार्ट्स को स्टडी करते हैं, यहाँ पे साफ साफ नजर आता है कि इसमें राइट शोल्डर फॉर्मेशन हो रही क्वार्टरली चार्ट्स पे। हम मंथली चार्ट्स पे भी अच्छा ब्रेकआउट देखा जा रहा है। आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने पहले 3 साल का पेशेंस रखा हुआ है, आप थोड़ा पेशेंस और रख लीजिए। आने वाले टाइम में स्टॉक में आपको 93-94 के लेवल्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, और अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना, कीप योर बाइंग प्राइस एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जी, अगली क्वेरी है हमारे पास संजय की, लखनऊ से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। संजय, गुड आफ्टरनून, क्या सवाल है आपका? PNB गिल्ड के 500 शेयर है। परचेजिंग प्राइस क्या है आपका? 24.50 rupees। ठीक है, आपके खरीदों से 1 rupee नीचे ये ट्रेड कर रहा है अभी। और मेरे पास रेनुका शुगर भी है मैम। यहाँ पर परचेजिंग प्राइस क्या है? 14.25 rupees। आपको दोनों शेयर है? ठीक है, दोनों शेयरों पर राय दिलवा देते हैं। PNB गिल्ड, सौरभ, इनका पहला स्टॉक जहाँ पर परचेजिंग प्राइस 24.5 का है, 23.10 पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, नुकसान हो रहा है इनको 1 rupee का। और रेणुका शुगर्स 14 rupees की इनकी खरीद है, और अगर पूरे ही शुगर स्पेस को देखें तो सबसे कम चलने वाला स्टॉक रेणुका शुगर्स ही रहा है। इसके अलावा ज्यादातर स्टॉक्स ने 80-90% तक का मूव दिया है। क्या करें दोनों स्टॉक्स में?
देखिए जहाँ तक पीएनबी गिल्ड की बात करें तो मुझे लगता है कि जो अभी जिस तरह से इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है जो नीचे जा रहा है, तो बॉन्ड यील्ड्स अभी गिरेंगी तो जिसमें पीएनबी गिल्ड को फायदा होने वाला है, क्योंकि जो इनका बिजनेस है वो प्राइमरली इन्वेस्टिंग इन बॉन्ड्स रहता है, तो मुझे लगता है वहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है। और जहाँ रेणुका शुगर की बात आपने करी है, तो ये एक इंटरनेशनल इंटीग्रेटेड प्लेयर है। चीनी के दाम जिस तरह से ऊपर जा रहे हैं, मुझे लगता नहीं कि खासा कोई परेशानी की बात है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को ही मिल रहा है, तो मुझे लगता है दोनों ही स्टॉक्स में बने रह सकते हैं।